अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, आज जो बिग अपडेट है, बहुत ही बड़ी अपडेट है, वो है मिमी लैंड की। तो मिमी लैंड की अपडेट मैं आपको देता हूँ। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द जो भी अपडेट आती है प्रोजेक्ट के हवाले से वो आपको प्रोवाइड करूँ। तो अभी जो अपडेट आई है वो है मिमी लैंड की। मिमी लैंड के जो पॉइंट्स थे वो सबको मिल चुके हैं, ठीक है। उसका जो रिवार्ड था वो सबको मिल चुका है। तो चलिए उसको तफसीलन मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। तो मैं सबसे पहले अपने मेटामास्क में चला गया हूँ। तो मेटामास्क में मैं जैसे ही गया हूँ तो मैंने यहाँ पे अपना मिमी लैंड का जो मेरा फार्मिंग था वो मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देखें दोस्तों, मेरे पास जो मुझे मिले हैं ये वाले 1917 मुझे मिले हैं। यहाँ पर अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरी अभी तक फार्मिंग थी वो 10,000 टोटल मेरे जो पॉइंट्स थे वो 10,488 थे, और जो मुझे मिले हैं वो 1917 मिमी लैंड टोकन बनते हैं। तो अभी जो मिमी लैंड की टोकन की प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जी दोस्तों, अभी तक जो टोकन की प्राइस थी यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.  मीन्स के 4.5 सेंट, अगर आप लगाएं तो 4.5 सेंट जो है इसकी प्राइस है। तो यहाँ पे आप देखें काफ़ी डाउन आ गया। अच्छा, जो मेन चीज़ है इसकी वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर इस हिसाब से हम कैलकुलेशन करें तो हमें कितने डॉलर मिले हैं वो भी कैलकुलेशन कर ले। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना कैलकुलेटर ओपन किया। 1900 जैसे कि मुझे 17-18 मिले थे, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 0.06 से। तो मुझे अभी तक जितने टोटल अगर डॉलर कैलकुलेशन किए जाएँ तो इतने डॉलर्स मेरे बनते हैं जो मुझे मिले हैं। तो दोस्तों हम इनको क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब हम इनको टोटली तौर पे क्लेम नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे गया तो यहाँ पे हमें कहीं भी क्लेम का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, ठीक है। अब वो क्या रीज़न होगी, क्यों नहीं हो रहे, उसका जो रीज़न है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटली तौर पे इन्होंने बता दिया हुआ है मिमी, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिमी फ्रॉम सीज़न 1, मतलब जो मिमी टोकन था वो सीज़न 1 का इज़ ऑटो स्टैक्ड, मतलब वो ऑटोमेटिक ही आपके स्टैक हो गए, मींस स्टैकिंग लग गई। फॉर एडिशनल रिवार्ड्स यू हैव स्टार्टेड अर्निंग बिफोर एनीवन एल्स, मतलब आप जो दूसरे लोग होंगे, जो इन्वेस्टर्स होंगे, उनसे पहले ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आपका जो मिमी लैंड था वो हमने ऑलरेडी ऑटो स्टैक लगा दिया, ठीक है, ऑटो ही लगा दिया, मतलब आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, कंपनी ने खुद ही सबके स्टैक लगा दिए। कीप द मिमी स्टैक्ड, मिमी टोकन को स्टैक करते रहो एंड द लेट द रिवार्ड रूल, और रिवार्ड रूल्स को आप हासिल कर लो। तो दोस्तों जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ व्यू ऑन स्टैक लैंड, मींस के मैं इसको देखना चाहता हूँ कि मेरे स्टैक लैंड में कितने टोकन बने हैं, क्या कहाँ पे स्टैक हैं। तो मैं सीधा जाके यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो है वो यहाँ पे ये ओपन हो के आ जाएगा ये वाला। जैसे मैं अगर अपना वॉलेट कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर, यहाँ पे आप देखें दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास जो है ये वॉलेट मैंने कनेक्ट कर लिया हुआ है यहाँ पे मिमी सॉरी स्टैक लैंड का। तो जैसे मैंने स्टैक लैंड का वॉलेट कनेक्ट किया, यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें इस जगह पे और इस जगह पे दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल, यहाँ पे टोटल स्टैक इतने हैं, मीन्स मेरे टोकन जो मुझे मिली हैं वो टोकन जितने भी मुझे मिले हैं वो स्टैक यहाँ पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं नीचे इस वाली जगह पे भी मेरे टोटल स्टैक शो हो रहे हैं। अब जो मज़ीद हमें मिलेगा वो क्या चीज़ मिलेगी, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। वो आपको स्टैक यहाँ पे लग चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके स्टैकिंग के पॉइंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। बेसिकली ये भी एक पॉइंट्स होंगे, जिस तरीके से हमने फार्मिंग में पॉइंट्स हासिल किए थे 10,488 मेरे बने थे तो मुझे उस हिसाब से मिले थे 1917। तो इसी तरह से ये जो 1917 मुझे मिमी टोकन मिले हैं, ये 1917 मिमी टोकन स्टैक पे लग गए। जैसे ये स्टैक पे लगे, उन्होंने बताया हुआ यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने बताया हुआ कि ये जितने भी होंगे हम इसको मल्टीपल कर देंगे 6.9 से।
तो जो हमारे पास जो टोकन पॉइंट्स बनेंगे, अब यहाँ पे अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया कि ये हमें किस हिसाब से टोकन देंगे, नेक्स्ट ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं इनके किस हिसाब से टोकन देंगे। जैसे ये अनाउंस करेंगे मैं आपको शेयर करूँगा, यहाँ पे आपके अभी पॉइंट्स शुरू हो गए बनने। जैसे ही पॉइंट शुरू हो गए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने मिमी लैंड को होल्ड किया हुआ था, और यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो इस जगह पे मेरे पास अभी 108 मिमी टोकन होल्ड हैं। तो यहाँ पे मैं और भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 जो है ना वो स्टैक कर देता हूँ, और अगर मैं स्टैक पे क्लिक करता हूँ मेरे पास वॉलेट पे अप्रूवेशन जाएगी। तो मैं यहाँ पे सिंपल वॉलेट पे अप्रूव करके तो इसको मज़ीद स्टैक भी लगा सकता हूँ। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको क्लेम के लिए बिल्कुल नहीं मिले। यहाँ पे मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो अभी के लिए आपको क्लेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं मिले। तो यहाँ पे अगेन मैं साइन इन पे जाऊँगा, यहाँ पे अगर मैं वॉलेट पे जाता हूँ तो यहाँ पे मैंने कंफर्म करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कंफर्म किया तो मैं वापस जाता हूँ, सॉरी यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे मैं वापस गया। जैसे मैं यहाँ पे वापस गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिजेक्ट आ गया क्योंकि मेरे पास इतनी फीस नहीं थी। तो यहाँ पे आप मज़ीद और भी स्टैक लगा सकते हैं। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अभी के लिए तो इन्होंने हमें वैसे लॉलीपॉप ही दी है, तो चलें देखते हैं नेक्स्ट में क्या होता है, क्या बनता है इसका। लेकिन अभी के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते, आपके ऑटो स्टैक लग गए नेक्स्ट मज़ीद रिवार्ड के लिए। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।